आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और थोड़ी सी देरी होगी क्योंकि आज एक तो मैच चल रहा था लगातार और कुछ उम्मीदें बंधी थी, लेकिन अब फिर उम्मीद टूट गई। दूसरी कुछ और भी चीज़ें थी दफ्तर में। आज एक नई जगह भी है जहाँ इस वक्त मैं बैठा हुआ, एक्चुअली ये एडिटर्स कॉन्फ्रेंस रूम है। हम लोगों की एडिट की जो मीटिंग होती है डेली दोपहर को 1 बजे, वो इसी जगह होती है। और उस दिन जब मीटिंग में यह तय होता है कि आज का एजेंडा क्या है, क्या स्टोरीज चलेगी, क्या कौन कौन से बैंड में, किस किस बुलेटिन में कौन कौन सी स्टोरी है, तो ये सारी चीज़ें तय होती हैं। तो आज जगह बदली है और कहानी बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी आपकी और कई महीनों से थी, लेकिन मैं उसको लगातार टाल रहा था, तो आज मुझे लगा कि उसको सुना देना चाहिए। राजीव गांधी की मौत की कहानी। हालांकि इस कहानी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि एक साथ ही आपको सब कुछ सुना दूँ। हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट पीएम 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, ये पहली चीज़ उनके साथ। दूसरी कि किसी इतनी बड़ी शख्सियत, एक इतना बड़ा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसकी मौत ह्यूमन बॉम्ब से होती है, ये भी अपने दुनिया में पहला मामला था। राजीव गांधी से पहले इस तरह से किसी की मौत नहीं हुई थी, तो ये दूसरी चीज़। इलेक्शन की रैली में नेताओं की सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उनकी मौत के बाद ही ये सवाल और इस चीज़ को सीरियसली लिया जाने लगा, ये तीसरी चीज़ थी। और इन सबसे बड़ी चीज़ की आखिर राजीव गांधी की इस मौत के पीछे की वजह क्या थी। बहुत सारी चीज़ें हर जगह है, आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, तो मैं आपको पूरी शुरू से आखिर तक समझाने और बताने की कोशिश करूँगा। इस कहानी की शुरुआत श्रीलंका से होती है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, भारत का अगर नक्शा देखें तो ऐसा लगता है कि वो मुल्क इंडिया को ऐसे पकड़ कर लटका हुआ है। मेरी बेटी अक्सर जब नक्शा देख के मैप यही कहती थी, इसलिए मुझे ये याद आ गया। और मैं श्रीलंका गया हूँ, मुझे बहुत खूबसूरत जगह लगी, बहुत ही हरियाली है। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो ये कि श्रीलंका में सफाई बहुत है। मतलब यूरोप के कई मुल्कों में देखा मैंने जो सफाई और क्लीननेस है, बट श्रीलंका में जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हमसे ज़्यादा वहाँ पर साफ़ सफाई लोग उसका ख्याल रखते हैं। चाहे आप कोलंबो में हों या कैंडी में हों या फिर इधर जाफना की तरफ हों, कहीं पे भी। तो अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर घूमने जाइए, क्योंकि अब तो शांति भी है वहाँ पे। लेकिन 1987 में श्रीलंका में इस तरह के हालात नहीं थे, ना शांति थी श्रीलंका में। जब से श्रीलंका एक मुल्क के तौर पर हमारे सामने आया है, वहाँ पे दो धर्म के लोग जो है वो अक्सरियत मेजोरिटी में हैं, एक सिंगली हैं और दूसरे तमिल। जो सिंगली हैं वो एक्चुअली वो लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और श्रीलंका में इनकी तादाद ज़्यादा है, ये मेजोरिटी में। जो तमिल हैं वो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, इनकी तादाद कम है सिंगली के मुकाबले। तो हमेशा सिंगली का वर्चस्व रहा है श्रीलंका में, और तमिल जो है वो उनको हमेशा एक दोयम दर्जे का नागरिक एक तरह से वहाँ पे समझा जाता था, और उनके उनको तमिल को लगता था कि हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो बरसों से चला रहा था तमिल क्या कि अपना उनको एक स्टेट चाहिए, अलग चाहिए, उनको और स्वायत्तता चाहिए। तो लड़ाई धीरे धीरे चल रही थी, बहुत सारे तमिल लीडर भी पैदा हुए। लेकिन 80 के दशक में इस लड़ाई ने तेज़ी पकड़ी, और ऐसे बहुत सारे तमिल संगठन, छोटे बड़े सब मिलाकर उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया। वो एक अलग स्टेट की मांग करने लगे, एक तरह से समझे कि अलग देश की ही, तमिल ईलम के नाम पे। और उन सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो छोटे मोटे सारे थे, उनमें एक और भी था, LTTE, लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम फोर्स जो था, जिसका हेड प्रभाकरन। तो ये सारे मूवमेंट चल रहे थे, और लगातार वहाँ की जो सरकार है इनसे निपट रही थी, हथियार भी इन लोगों ने उठा लिए थे। बट छुटपुट लड़ाई के बीच में ही, अच्छा इधर दूसरा ये था कि तमिल के साथ, चूँकि हम लोगों का भी जुड़ा था, वो तमिलनाडु से लेकर, और वो बहुत सारी चीज़ें थी, और जो वहाँ के लोग थे बहुत सारी चीज़ें हमसे मिलती थी। तो हमारा शुरू से जो विदेश नीति भी थी, फॉरेन पॉलिसी भी, वो ये थी कि हम भी चाहते थे कि तमिल के ख़िलाफ़ जुल्म ना हो, उनको उनका हक मिले, उनको स्वायत्ता मिले। लेकिन ये नहीं कि एक श्रीलंका के टुकड़े हो जाएं, और तो ऐसा कभी भारत ने नहीं चाहा, लेकिन ये था कि एक देश में अगर सिंगली भी हैं तो तमिल को भी उनका हक मिलना चाहिए। तो ये सारी लड़ाई चलती रही और सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी 23 जुलाई 1983 को पहली बार इस पूरे मूवमेंट ने एक खूनी रंग ले लिया था।
तब जो लिट्टे के लिट्टे एक तो गुरिल्ला वॉर में बड़ा माहिर थे, प्रभाकरण की पूरी टीम, माइंस बिछाना, जंगल में छुप कर अटैक करना, इनके पास एक से एक वेपन थे, हथियार थे। ह्यूमन बॉम्ब भी लिट्टे की ही इजाद की भी थी इस पूरे एरिया में। तो 23 जुलाई 1983 को लिट्टे के गुरिल्ला सैनिकों ने 13 जो है वो श्रीलंकाई सैनिक को घेर कर उन्होंने मार दिया था। तो एक साथ जब 13 सैनिकों की मौत हुई श्रीलंका की, और ये सब कुछ चली जाता, तो श्रीलंका सरकार भी जो है वो फिर हरकत में आई, और उसने अगले ही दिन इस 13 श्रीलंकाई सैनिक की मौत के अगले दिन वहाँ पे बड़े पैमाने पे फिर हिंसा विंसा फैल गई, और तमिल ख़ास तौर पर निशाने पे आ गए और तमिलों को मारा जाने लगा, गुस्सा जो भड़का तो, और यहीं से श्रीलंका में एक गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। अब तमिल के ऊपर जब जुल्म हुआ तो तमिल क्या करते, तो वो भागे समंदर के रास्ते और एक लाखों तमिल इंडिया में चले आए, तमिलनाडु में ही एक तरह से, और वो शरणार्थी के तौर पर। अब इतनी बड़ी तादाद में शरणार्थी हमारे देश में आ रहे, तो हमारे लिए भी मसला हो गया कि ये इतने सारे कुछ आ रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु और वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स ये थी कि हम उससे हट भी नहीं सकते थे, क्योंकि फिर उससे बहुत सारी चीज़ें होती, लोग नाराज़ होते। तो हम लोगों ने तमिल की मदद भी करनी शुरू की, और उस वक्त जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे एमजी रामचंद्रन, बहुत बड़ा नाम, उन्होंने भी दिल्ली में जो गवर्नमेंट थी उस पर दबाव डालना शुरू किया कि तमिल के मसले को हल किया जाए और तमिल पर जो जुल्म हो रहा है उसे रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और लगातार वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात थे श्रीलंका में। और ये चूँकि 83 की बात थी, अगले कई साल तक गृह युद्ध जैसे हालात रहे, और लिट्टे ने बहुत सारे वहाँ पे अटैक किए, उनके सारे गुरिल्ला वार जैसे मामला चलता रहा। 86 आते आते हालात और बिगड़ गए और बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होने लगा था, और दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे। इधर हमारे तमिल शरणार्थियों की तादाद बढ़ती जा रही थी हिंदुस्तान में, तो उसको लेके हमें भी बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। और तभी 1987 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो कहते हैं कि उन्होंने इस तमिल मसले को हल करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। उनके ऊपर दबाव भी था कि तो तमिल हमारे जो शरणार्थी आ रहे थे उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, खामोश बैठ नहीं सकते थे, श्रीलंकाई सेना जो है वो लगातार हमले भी कर रही थी। तो श्रीलंका में जब इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होने लगी, तो एक पूरे जाफना द्वीप में एक तरह से हमारे जो तमिल सारे शरणार्थी थे वहाँ पे जो वो भी फंस गए, खाने पीने को कुछ नहीं। तब मानवीय आधार पे भारत ने कहा कि हम इनको राहत सामग्री भेजते हैं, खाना वाना भेजते हैं, लेकिन श्रीलंका की जो सैनिक और सरकार उसने मना कर दिया। तो फिर हमें कहना पड़ा कि अगर आप नहीं हमें आने दोगे तो हम अपने एयरफोर्स के ज़रिए भेजेंगे, और अगर आपने हमारे एयरफोर्स पर अटैक किया तो ये इसको सीधा वॉर माना जाएगा। तो इससे श्रीलंका की सरकार जो है वो थोड़ी घबरा गई, और उस वक्त जे जयवर्धने थे श्रीलंका के मुखिया। तो इसके बाद खैर हमने वहाँ पे सामान वामान भेजा, और फिर आखिर में ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तो फिर शांति की भी बात चल रही थी। तो राजीव गांधी ने एक पहल की, और श्रीलंकाई सरकार और जो तमिल वहाँ पे जितने संगठन थे जिसमें लिट्टे भी था, इन लोगों के बीच में एक मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए तैयार हुई, और उन्होंने कहा कि हम बातचीत से मसले को हल करते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ ये भी डर था कि अमेरिका कहीं इसमें दखल दे दे और अपना वहाँ पे एक बेस बना ले आर्मी का और उसका, तो फिर वो वहाँ से कभी हटेगा नहीं, तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं था। तो इसी के बाद 1987 में कहते हैं कि दिल्ली के अशोका होटल में बाकायदा प्रभाकरण दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि वो जितने भी तमिल सारे ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें सबसे बड़ा प्रभाकरण था। तो उसको बुलाया गया और राजीव गांधी के साथ मुलाकात हुई, और राजीव गांधी ने उसको मनाने की कोशिश की और उससे कहा कि एक समझौता है, शांति समझौता है, इसमें आप लोग शामिल हों। उस समझौते के तहत ये था कि श्रीलंका सरकार तमिलों को स्वायत्ता देगी, उनको और आज़ादी देगी, अलग देश नहीं होगा लेकिन श्रीलंका के अंदर ही उन्हें काफ़ी कुछ और उनको अधिकार दिए जाएंगे। और एक खबर ये भी है कि राजीव गांधी ने प्रभाकरण ने ये रखा था कि इस शांति जब स्थापित हो जाए तो उसके बाद श्रीलंका की सरकार में उसकी एक अपनी पोजीशन होनी चाहिए। तो कहते हैं राजीव गांधी ने इसके लिए भी हामी भर दी थी, और उसके बाद प्रभाकरण वापस गया दिल्ली के अशोका होटल से मुलाकात के बाद। और फिर जुलाई 1987 में
श्रीलंका और ये जो जितने भी संगठन थे तमिल इसके, इनके बीच में एक शांति समझौता हुआ और उसी के बाद भारत ने एक जो शांति सेना है वो श्रीलंका में भेजा और ये तय हुआ था कि ये सेना जो है वो जितने भी वहाँ पे संगठन हैं उन सबको, उन सब से हथियार वापस लेगी और उन सब के हथियार जो है वापस लेने के बाद वहाँ पे शांति स्थापित की जाएगी और इसके बीच में कोई नहीं आएगा। तो भारतीय शांति सेना एक नया आइडिया और इसको भेजना था श्रीलंका, तो बाकी जितने संगठन थे वो लगभग इस समझौते के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन प्रभाकरन जब मिला था राजीव गांधी से और उसके बाद, हालांकि वो तैयार हो गया था और उसने दस्तखत भी किए, लेकिन वो थोड़े बहुत अधिकार और थोड़ी बहुत आज़ादी से खुश नहीं था। उसका ये था कि तमिल ईलम एक अलग ही देश ही होना चाहिए और श्रीलंका के साथ नहीं होना चाहिए। तो वो इस फैसले से और इस समझौते से नाखुश था अंदर अंदर, लेकिन फिर भी वो चला गया। उसके बाद हमारी जो भारतीय शांति सेना है और जो समझौता हुआ था हमारे श्रीलंका सरकार के बीच में, राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में, तो उसके तहत हमारी जो सेना है वो श्रीलंका भेजी गई और करीब 4 डिवीज़न में 80,000 हमारी फोर्स जो है वो शांति सैनिक के तौर पर श्रीलंका गई थी। शांति सैनिक के तौर पर इसलिए गई थी कि वहाँ पे जितने ऐसे संगठन हैं उन सबको आमलेस किया जाए, उनको उनसे हथियार डलवाया जाए, उनसे हथियार लिया जाए और शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत के ज़रिए इस पूरे मसले का हल हो, ये सोच थी और यही समझौता था। इसके बाद ये जब वहाँ फोर्स पहुँचती है तो जाहिर सी बात है कि ये शांति सैनिक थे, इनका सिर्फ काम कोई जंग लड़ना और कुछ नहीं था और इनको सिर्फ वहाँ पे हथियार डलवाने थे। लेकिन होता उल्टा है, यहाँ पे धोखा हो जाता है। धोखा ये होता है कि प्रभाकरन तैयार नहीं था समझौते के लिए, यहाँ पे तो किसी तरह मजबूरी में तैयार हो गया लेकिन बाद में वो मुकर गया। अच्छा, इसमें ये भी था कि जब शांति हमारे जो भारतीय शांति पूरा सैनिक वहाँ पहुँचे तो उसमें ये भी था कि जो पूरा जाफना इलाका है, जो खासतौर पर तमिल का पूरा एक सबसे बड़ा बेल्ट था, एरिया था, वहाँ से श्रीलंकाई सैनिक वापस चली जाएगी और उनकी जगह इंडियन जो सेना है वो ले लेगी और उनकी निगरानी में सारे हथियार डलवाए जाएंगे। तो समझौते के तहत जैसे ही अपने शांति सैनिक इंडिया के पहुँचते हैं श्रीलंकाई सेना चली जाती है, लेकिन उनके जाते ही श्रीलंकाई सेना के प्रभाकरन एकदम एक तरह से खुला और आज़ाद हो जाता है और वो शांति समझौते से मुकर जाता है और उल्टा वो जो हमारी पीस फोर्स गई थी इंडिया की वो उनके ऊपर हमला शुरू कर देता है। और जबकि हमें जो हमने जो अपने सैनिक भेजे थे पीस फोर्स, उनका ये था कि इनको सिर्फ हथियार डलवाने, कोई जंग तो लड़ना नहीं, तो इसलिए वो उस तैयारी से गए भी नहीं, ना उनके पास वो जंग लड़ने का सामान आना, वो तारी तैयारी थी कुछ नहीं। और ये उम्मीद भी नहीं थी कि चूँकि तमिल इलम और प्रभाकरन की जो संगठन है वो हम पे अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रभाकरन ने धोखा दे दिया और जो इंडियन पीस फोर्स उसी के ऊपर उसने अटैक, माइंस बिछाकर, बारूद बिछाकर, अपने औरतों बच्चों को ट्रेन करके, उनको हथियार देकर, अब हमारी सेना के पास बहुत सारे डूज एंड ड्रोन्स थे कि अब महिलाओं पे, बच्चों पे, निहत्तों पे गोली नहीं चलाएंगे, उनके लिए कोई कानून नहीं था। और कई अपने सैनिकों को पकड़ के उन्होंने बंधक बनाया, बहुत टॉर्चर किया, फिर मारा। तो जिनेवा कन्वेंशन भी हमारे लिए था, LTTE के लिए नहीं था, प्रभाकरन के लिए नहीं था। तो हमारा बड़ा नुकसान हुआ और ये उल्टा पड़ गया हम लोगों को और बहुत सारे हमारे सैनिक मारे गए जो शांति के लिए गए थे। तो उसको लेकर हमारे यहाँ भी आवाज़ उठने लगी। उधर श्रीलंका में भी एक पॉलिटिकल धड़ा था जो इस भारतीय, हालांकि जे जयवर्धने ने खुद समझौता करके भारतीय सेना को बुलाया था, लेकिन फिर वहाँ के सिंघली, जो बहुल सिंघली आबादी है, उसके दबाव में वो भी मुकर गए और वो भी फिर कहने लगे कि नहीं भैया आप वापस जाओ। इसी दौरान में श्रीलंका में भी चुनाव होता है और हमारे यहाँ भी चुनाव होता है और उस चुनाव में श्रीलंका में भी जो जयवर्धने हैं वो हार जाते हैं, एक नई सरकार आती है और वो नई सरकार वो थी जो इस भारतीय शांति सेना के ख़िलाफ़ थी श्रीलंका में आने की। तो आते ही कहती कि अब आप लोग वापस जाओ। इधर हमारे यहाँ भी राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं और प्रधानमंत्री VP Singh बन जाते हैं और जैसे ही उधर श्रीलंका की नई सरकार कहती है भारत सरकार से कि भैया आप अपने शांति सेना को वापस बुलाओ, VP Singh मान जाते हैं और हम उन सबको 90 में बुला लेते हैं 3 साल के अंदर। और इन 3 सालों में बहुत सारे कुछ हमने खोया भी था, हालांकि हज़ारों प्रभाकरन के लोगों को मारा भी,
लेकिन हमारे भी सैकड़ों लोगों की जान गई आर्मी की। खैर अब वापस आ गए, श्रीलंका के हालात वैसे ही गृह युद्ध के वहाँ पे। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कोलंबो में और हर जगह जब तब बम ब्लास्ट, सुसाइड अटैक, ये चीज़ें होने लगी। मैंने वहाँ पे कोलंबो में ऐसी बहुत सारी जगह देखी, 2016 की बात है जब मैं गया था, तो मैंने देखा वहाँ पे जहाँ जहाँ इस तरह के सुसाइड अटैक हुए थे वो निशानियाँ वहाँ आज भी हैं, कई सारे ऐसे मेमोरियल बने हुए हैं। और एक ज़माना था जब लोग सड़क पर चलते हुए भी डरते थे कि पता नहीं कौन सुसाइड बॉम्बर आ जाए, कौन सी कार ब्लास्ट हो जाए। अब तो खैर बहुत पीस है, तो सरकार बदली, ये सब कुछ वापस हो गए, और लेकिन श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात वैसे ही रहे। इधर वीपी सिंह की सरकार आने के बाद, फिर अचानक वीपी सिंह की सरकार भी चली जाती है, और चूंकि मेजोरिटी में नहीं थी और नए तरीके से फिर चुनाव का ऐलान हो जाता है। 91 में चुनाव था। अब इस 91 के चुनाव जैसे ही डिक्लेयर होता है, उधर प्रभाकरण जो है वो राजीव गांधी को लेके कि एक तो फोर्स भेजी, दूसरा वो पूरी तरह से तमिल जो है एक आज़ाद देश बनाने में वो बीच में मदद नहीं की और यहीं रह के कहा कि तुमको अधिकार मिलेगा, तो राजीव गांधी की इस पॉलिसी से बहुत गुस्से में था और नाखुश था। तो जैसे ही जब वीपी सिंह के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, तो उसे लगा कि अगर राजीव गांधी दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो फिर से फोर्स भेजेंगे श्रीलंका में, और चूंकि उसने ऑलरेडी डिच किया था, धोखा दिया था, हमारी फोर्स पे उसने अटैक किया जबकि समझौता किया था, और जो ये भी कहते हैं कि प्रभाकरण और एलटीटी की हम लोगों ने बहुत मदद की थी शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे से तमिल नाडु के थे जो वहाँ पे शामिल हुए थे जाकर, तो हमारे पीठ पीछे छुरा भी घोपा था। तो अब उसे ये लगा कि अगर दोबारा राजीव गांधी सत्ता में आते हैं तो फिर ये एलटीटीए के ख़िलाफ़ होगा। तो प्रभाकरण को ये डर था, तो इसीलिए वो चाहता नहीं था कि राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आए। तो उसने कहा क्यों ना राजीव गांधी को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि ये नौबत ही ना आए। और इसीलिए उसने प्लानिंग बनानी शुरू की राजीव गांधी के कत्ल की। लेकिन ये प्लानिंग ऐसी थी कि मतलब उसके खास चार लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं था। और कहते हैं जो इस पर सारी इन्वेस्टिगेशन, जांच हुई, पूछताछ हुई, जो बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, 1990 के एंड में, 1990 के आखिर के महीनों में जाफना के जंगल में राजीव गांधी के कत्ल की प्लानिंग बनी थी, और उस पूरी प्लानिंग में प्रभाकरण के अलावा सिर्फ चार लोग शामिल थे। उनमें से एक का नाम था बेबी सुब्रमण्यम। ये लिट्टे का जो एलटीटी का है उसका ऑडियोलॉग था, और हमलावरों के लिए जो ठिकाना, जो राजीव गांधी को मारने जा रहे हैं उनके लिए कहाँ पे उनको रुकना है, कहाँ कैसे रहना है, उस पूरे ठिकाने का इंचार्ज इसको बनाया गया था ढूंढने का और रखने का। दूसरा था मुथू राजा। इस मीटिंग में ये प्रभाकरण का बेहद ख़ास आदमी था। हमलावरों तक कैसे कम्युनिकेशन होगा और उनके पैसे कैसे पहुंचेंगे उन तक, सारी जिम्मेदारी इसको दी गई थी। पहले को ठिकाना, दूसरे को पैसे और सारा संचार माध्यम। तीसरा था मुर्गन। ये आईडी एक्सपर्ट था और कहते हैं कि ह्यूमन बॉम्ब बनाने में भी एक्सपर्ट था, इसने बाकायदा ट्रेनिंग ले रखी थी। तो हमले के लिए जो ज़रूरी विस्फोटक और ये सारे बॉम्ब वॉम्ब कहाँ से आएंगे, इसका इंतज़ाम मुर्गन को सौंपा गया था कि ये करेगा। चौथा था शिवरासन। ये एलटीटीए का बहुत कहते हैं कि बहुत ही होनहार जासूस था और ये भी ब्लास्ट और आईडी का एक्सपर्ट था। और जो शिवरासन को ख़ास जिम्मेदारी दी गई थी वो इसकी पूरी राजीव गांधी के मर्डर की प्लानिंग की जिम्मेदारी भी दी गई थी कि पूरी प्लानिंग साजिश कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, यह आखिरी फैसला शिवरासन को लेना था। तो ये चार लोग थे, बेबी सुब्रमण्यम, मुथू राजा, मुर्गन और शिवरासन। 1990 के आखिर में जाफना के जंगल में राजीव गांधी के कत्ल की पहली बार मीटिंग होती है और वहाँ यह डिसाइड होता है। इसके बाद ये चारों फिर अलग अलग वक्त में तमिलनाडु पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ पे ये अपना एक नेटवर्क तैयार करना शुरू करते हैं, लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं कि कौन कहाँ क्या करेगा। और इसी दौरान में इनको कुछ लोगों की ज़रूरत थी और उन लोगों को ढूंढने के लिए ये अलग अलग जगह पे जाते हैं और ढूंढते। और सबसे अजीब बात थी जो पूरी जांच में पता चली वो ये था कि जब प्लानिंग हुई कि राजीव गांधी को मारना कैसे है, तो उसमें ये था कि वो ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल होगा, लेकिन ह्यूमन बॉम्ब कौन होगा ये इस मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ था।
इन चारों को जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने अपने हिसाब से तुम लोग तय करना, और ये चारों जब पहुंच, इनका ये था कि तमिलनाडु में ही हम जो भी, क्योंकि उस दौर में जो श्रीलंका में चल रहा था उसमें एलटीटी के बड़े सॉलिड सपोर्ट तमिलनाडु से भी था, उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे वहाँ भी थे, तो ये था कि कोई भी इसमें आसानी से तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें एक रिस्क ये भी था कि अगर भरोसे का ना हुआ तो मामला लीक भी हो सकता है। तो इन्होंने सारी कोशिश की और वहाँ पे एक पोरूर जगह है जहाँ पे एक घर लिया गया, उस घर में ये लोग ठहरे और फिर इनसे जुड़े हुए तमाम एक एक करके लोगों को शामिल करना शुरू किया गया, प्लानिंग शुरू हुई। लेकिन वक्त बीतता जा रहा था, ह्यूमन बॉम्ब कौन बनेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ था, कोई मिल नहीं रहा था। तो आखिर में इसको लेकर एक कन्फ्यूज़न था, तो शिवरासन को चूंकि जिम्मेदारी दी गई थी पूरे साजिश की, तो कहते हैं कि शिवरासन फिर 91 के शुरू में वापस जाफना जाता है तमिलनाडु से और प्रभाकरन से मिलता और कहता है कि बाकी तो सब ठीक है, हमारी पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन मानव बम कौन बनेगा वो हमें नहीं मिल रहा, तमिलनाडु में कोई है नहीं वो जो भरोसे का जिस पर हम ट्रस्ट कर सकें। तब कहते हैं कि प्रभाकरन ने शिवरासन की ही चचेरी बहने थी, तो शिवरासन पे इतना ट्रस्ट था प्रभाकरन को कि वो आँख बंद करके बिलीव करता था। धनु और शुभा ये दो चचेरी बहन थी और शिवरासन की, जो इसको इस पूरे प्लानिंग को अमल में लाने की जिम्मेदारी दी थी प्रभाकरन ने, तो शिवरासन से कहता है कि तुम तमिलनाडु से नहीं बल्कि यहीं से ले जाओ, और उन्हीं की दो शिवरासन की दो चचेरी बहनों का वो चुनाव करता है, एक धनु का और एक शुभा का, और कहता है कि इन्हीं में से किसी एक को तुम टारगेट मतलब मिशन पर लगाओ। तो शिवरासन अपने बॉस का ऑर्डर सुन के इन दोनों को साथ लेके फिर वापस तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु आने के बाद ये लोग अपनी पूरी तैयारी करते हैं, आरडीएक्स से लेके बॉम्ब और वो बेल्ट वाला बॉम्ब बनाने की, ताकि चूँकि ह्यूमन बॉम्ब था तो वो सारी चीज़ें काम चलता रहता है। इस बीच में राजीव गांधी के सारे दौरे और चुनाव का की रैलियां शुरू हो गई थी, वो सारी चीज़ों पर इन लोगों की नज़र थी। तो इन्होंने ये तय किया जो पहली चीज़ कि राजीव गांधी के ऊपर हमला जो है वो किसी चुनावी रैली में ही करेंगे। उसकी एक वजह ये है कि चुनावी रैली में भीड़ के बीच नेता बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और लोग भी नेता तक आसानी से पहुंच जाते हैं, हाथ मिलाने, फूल देने, शॉल उड़ाने के बहाने पे। तो ये था कि तमिलनाडु में भी राजीव गांधी आएंगे चुनावी रैली के लिए, लेकिन ये कि राजीव गांधी के करीब तक पहुँच के कैसे ये काम होगा उसके लिए पहले कुछ रिहर्सल करना था। 12 मई 1991 को शिवरासन जो है वो, अच्छा ये जो शिवरासन धनु और शुभा को ले गया तो उसमें फिर फाइनल ये हुआ कि धनु ही वो ह्यूमन बॉम्ब बनेगी सारी चीज़ें देखने के बाद। तो धनु को 12 मई 1991 को तमिलनाडु में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की एक चुनावी रैली थी और वो उस रैली में ले गया, और उस रैली में उसने ये देखा कि कैसे, मान लीजिए कि वो वीपी सिंह राजीव गांधी तो उनके करीब तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बाकायदा रेकी की रिहर्सल किया और धनु को वहां तक ले गया और वो बिल्कुल वीपी सिंह के पास तक पहुंचने में कामयाब रहा। सब कुछ सेम था, सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, वो ये थी कि उस दिन बॉम्ब नहीं पहना था धनु ने, क्योंकि उसे सिर्फ रेकी करना था। पहला उनका रिहर्सल कामयाब हो गया। इसके बाद उसी मई के महीने में एम करुणानिधि जो डीएमके के बॉस हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे, उनकी एक रैली थी। फिर दोबारा श्योर करने के लिए कि कोई अड़चन एंड टाइम पे ना आए, शिवरासन धनु को लेकर करुणानिधि की भी रैली में पहुंचता है और वहां रैली में पहुंचने के बाद बाकायदा उनके करीब जाता है, और उसके बाद नज़दीक जाने के बाद उसे लगता है कि आराम से पहुंच सकते हैं और वो वापस आ जाता है। इस सेकेंड ट्रायल में भी धनु ने सब कुछ वैसे ही किया, सिर्फ उसके कमर पे बॉम्ब नहीं बंधा हुआ था। अब इसके बाद ये लोग आखिरी अपने टारगेट का इंतजार करते हैं, वो राजीव गांधी है। इसी बीच में 20 मई को श्री पेरम्बदूर में एक राजीव गांधी रैली करने जा रहे हैं जो 21 को है शाम को, उसकी खबर इन लोगों को 20 मई को मिलती है। तो नलनी के घर पे ही ये लोग सारे ठहरे हुए थे, 5 लोग थे, शिवरासन, धनु, शुभा, नलनी और हरिबाबू,
ये पांच लोग थे वहाँ पे और तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी, दो रैकी हो चुकी थी और उसके बाद 20 मई 1991 को उन्हें पता चलता है कि 21 मई को राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में आ रहे हैं। बाकायदा अखबार में वहाँ के विज्ञापन भी छपा हुआ था। तो शिवरासन जो है वो अखबार की कट्टे अखबार लेकर आता है और बताता है ये रहा, ये जगह है और ये सारी चीज़ें, यहाँ इतना टाइम है। तो 20 तारीख की रात को ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 21 तारीख को राजीव गांधी के ऊपर हमला करना है। तय वक्त से कई घंटे लेट राजीव गांधी चूँकि उस वक्त चेन्नई पहुँचे थे, फिर चेन्नई में उन्होंने एक दो रैली की, फिर कुछ मीडिया से ब्रीफिंग की, फिर एक जर्नलिस्ट ने उनसे बातचीत की गाड़ी में और उसके बाद वो श्री पेरम्बदूर पहुँचते हैं 21 मई को रात और उस रैली में जाते हैं। तमाम लोग पहले से बैठे हुए थे चूँकि रैली में लेट हो गया था, लेकिन वहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि बस राजीव गांधी आने वाले हैं, राजीव गांधी आने वाले हैं। राजीव गांधी पहुँचते हैं, भीड़ उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन सुरक्षा और जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उनको हटाते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं एक जगह पे खड़ी हुई थी, वो आती हैं, फिर भी सुरक्षा वाले उनको हटाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ये जो धनु थी ये पहली बार उस दिन चश्मा पहनकर पहुंचती है, वो चश्मा नहीं लगाती थी, सिर्फ ये कि कभी किसी ने और कहीं किसी रैली में देखा हो या एक भी कोई छोटी सी चीज़ पकड़ा जाए तो वो चश्मा लगाकर और सलवार कमीज़ पहनकर वो पहुंचती है। और एक नेता थी वो उनसे पहले, चूँकि सिक्योरिटी गार्ड ने उसको और आगे बढ़ने से रोक दिया था, तो कहती है कि मैं एक बार राजीव गांधी को माला पहनाना चाहती हूँ। तो वो भी कहती कि चलो, कांग्रेसी नेता थी, उन्होंने कहा कोई नहीं, तो इसलिए वो सुरक्षा गार्ड को भी रोक देती हैं। राजीव गांधी आते हैं, तब तक कई लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सुरक्षा गार्ड के लोग रोक देते हैं। इसी बीच में धनु भी बढ़ती है, जब धनु बढ़ती है तो एक सुरक्षा गार्ड उसको रोक देता है, लेकिन राजीव गांधी, वो आवाज़ आती कि नहीं, मैं वो बोलती है कुछ, राजीव गांधी के कानों तक आवाज़ जाती है और राजीव गांधी सुरक्षा गार्ड से इशारा करके कहते हैं आने दो उसको। फिर वो करीब आती है, झुकती है पैर छुकने के लिए। आमतौर पे हमारे ऐसे ही होता है कि जब कोई पैर छूने के लिए झुकता है तो आमतौर पे हम उसे उठाते हैं या तो हाथ लगाकर कंधे से। तो वो जैसे ही झुकी, राजीव गांधी ने उसको उठाने के लिए, वो भी झुके, लेकिन वो झुकी पैर छूने के लिए नहीं थी बल्कि वो अपना बटन दबाने के लिए झुकी थी। तो वो झुकते ही बटन दबा देती है, एक धमाका होता है और उस धमाके में वहाँ आसपास करीब 14 से 18 लोग थे जो सबसे करीब थे, उन सब की मौत हो जाती है और उन बिखरे हुए लाशों में एक लाश राजीव गांधी की थी जिनका चेहरा लगभग पूरी तरह से उड़ चुका था। और तब घड़ी में वक्त हुआ था 9:21। उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में ये खबर फैलती है और फिर सबको ये जानकारी मिलती है। तो ये थी, ये तो राजीव गांधी की मौत की खबर थी। अब इसमें इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आखिर इस मौत के पीछे, क्योंकि ये अभी जो हमने आपको कहानी सुनाया LTTE को लेकर खतरा, शांति सेना भेजना, ये सारी चीज़ें तो अब बाद में एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ने लगी। लेकिन अब अचानक जब खबर आती है कि राजीव गांधी एक धमाके में मारे गए, तो जाहिर सी बात है उसके बाद जाँच होती है। जाँच होती है तो ये कि कौन लोग हैं, क्या हैं, क्योंकि किसी, और जब तक पुख्ता सबूत नहीं हो आप कुछ कह नहीं सकते। तो साजिश के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, इलेक्शन का टाइम था, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर पूरी जांच शुरू होती है। उस वक्त तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर हुआ करते थे मिस्टर पी चंद्रशेखर, बहुत ही मतलब बड़ा नाम है इनका और बड़े अच्छे फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और बहुत नॉलेज इनको, बहुत एक्सपीरियंस इनको। खबर मिलने के बाद जाहिर सी बात है पूरी इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू होती है, इलाके को घेर लिया जाता है, सीन ऑफ क्राइम को लोगों से बचा के रखा जाता है। पुलिस और बाकी एजेंसी के साथ साथ जो पी चंद्रशेखर हैं फॉरेंसिक साइंस तमिलनाडु के जो डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, वो पहुंचते हैं, पूरा मुआयना करते हैं, हर प्रूफ हर सबूत को उठाते हैं, हर चीज़ की बारीकी से जाँच करते हैं। इसके बाद चार चीज़ें आती हैं, जो चार थ्योरी थी कि राजीव गांधी की जो मौत हुई वो कैसे हुई। पहली थ्योरी ये थी कि बम जो है, जो स्टेज तक राजीव गांधी जा रहे थे वहाँ पर रेड कारपेट बिछा हुआ था, तो उस रेड कारपेट के नीचे बम रखा गया था। दूसरी थ्योरी थी कि बम फूलों की टोकरी में, जैसे बहुत सारे लोग माला पहनाते हैं कुछ फूलों का गुलदस्ता और वहाँ पे कल्चर है, टोकरी में भी रख कर वो दे देते हैं,
तो उसमें छुपा कर रखा गया था। तीसरा ये था कि राजीव गांधी जब खड़े हुए थे तब किसी ने बॉम्ब उनके ऊपर फेंका। चौथा ये था कि एक ऐसी माला जिसमें बॉम्ब को छुपा कर रखा गया तो वो माला पहनाएगी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जब पूरी जांच की चंद्रशेखर साहब ने, जो हेड थे फॉरेंसिक के, तो एक एक करके वो थ्योरी को नकारते गए। उनका ये था कि अगर किसी टोकरी में बॉम्ब रखा होता तो वो कई जगह से टूटा होता और उस मतलब धज्जियाँ उड़ी होती उस टोकरी की। इसके अलावा अगर रेड कारपेट के नीचे होता तो कारपेट के नीचे बहुत गड्ढा हो चुका होता और ज़मीन के अंदर काफ़ी बड़ा वो होता, तो वहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं। बॉम्ब फेंकने की जहाँ तक बात थी तो वो ऐसे कोई सबूत और कोई चीज़ नहीं मिली, क्योंकि बॉम्ब फेंकने के लिए फिर ये था कि जो बाकी के आसपास में जो लोग जिस वजह से मरे तो वो उनकी मौत ना होती, सिर्फ राजीव गांधी के ऊपर होती और उनके आसपास दो चार लोग और जो होते वह ऐसा नहीं होता, तो उनकी नहीं होती। तो बॉम्ब फेंकने वाली थ्योरी भी और फिर सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों को देखते हुए नकार दिया गया। अब बचा कि माला जो है, माला पहनाई गई और माला में बॉम्ब। तो ये था कि माला की जो धागे और वो होते हैं वो बड़े कमज़ोर होते हैं, नाजुक होते हैं, तो उसमें एक हेवी बॉम्ब को बांध के और डालना वो नामुमकिन है। तो इस तरह से इन चारों थ्योरी को फॉरेंसिक साइंस ने रिजेक्ट कर दिया। टोटल इसमें 18 मौत हुई थी, सॉरी मैंने 14 आपको बोला, 18 मौत हुई थी। तो अब चार थ्योरी को नकार दिया गया। अब ये था, अच्छा उस वक्त तक ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, चूँकि अब हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि ये एक ह्यूमन बॉम्ब के ज़रिए अटैक हुआ था, लेकिन उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, तो उस वक्त ये सारी सच्चाई सामने लानी थी। तो खैर, इन चारों थ्योरी को नकारने के बाद अब वो जितनी भी लाशें मिली थी उन सब की जांच शुरू की गई, उन सब की फॉरेंसिक जांच हुई, जिसमें एक राजीव गांधी की भी बॉडी थी, तो सब की जाँच की गई। सारे शवों की जब लाश की जाँच की गई तो सब जाहिर सी बात है बहुत सारे छत पिछत थे, कई टुकड़े थे, लेकिन उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स बचे थे कई के। तो एक ऐसी बॉडी मिली जिसके कुछ भी अवशेष नहीं बचे थे, मतलब वो किस्तों में एकदम थे, लेकिन जो उसके अवशेष मिले छोटे छोटे अलग अलग, उससे ये पता चला कि इसकी त्वचा जो है, स्किन और ये बाल, नेल पे पॉलिश के किसी महिला की है, जो 18 लाशों की जब शिनाख्त की गई, और चूंकि उस पर नेल पॉलिश भी था उसके नाखून में, इस जिस लाश की मैं बात कर रहा हूँ इसके सर का कुछ हिस्सा, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा, सर का कुछ हिस्सा, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत साबुत था, बाकी कुछ नहीं बचा था। पूरा दाहिना हाथ और पेट का पूरा हिस्सा गायब था। तो जब ये चीज़ें सामने आई कि पूरा पेट का हिस्सा गायब, दाहिना हाथ गायब, सर का कुछ हिस्सा, लेफ्ट बाजू का कुछ हिस्सा बचा होना, कमर के नीचे का कुछ हिस्सा बचा होना, तो जब इन सारी चीज़ों को जांच की गई तो फिर ये पता चला कि ये जिसकी बॉडी है एक्चुअली में यही मानव बम, यही ह्यूमन बॉम्ब है, और इसकी त्वचा और नेल पॉलिश और बालों से ही पता चला कि ये कोई महिला है। तो पहली बार फॉरेंसिक साइंस की जांच से पता चला कि राजीव गांधी को मारने वाली जो ह्यूमन बॉम्ब आ गई थी वो एक महिला थी। फिर जब इस चुके स्पेसिफिक इस बॉडी के बारे में हो कि यही ह्यूमन बॉम्ब है, तो इसकी अब जब स्पेशल अलग से फिर जाँच की गई, तो ये सलवार कमीज पहने हुई थी, उसके कपड़े के नीचे बनियान मिली थी जिसमें वेलक्रो लगा हुआ था, और इत्तेफाक से चंद्रशेखर उससे पहले इंग्लैंड गए थे और वहाँ पे उन्होंने कि कुछ ह्यूमन बॉम्ब के ऊपर जो इस तरह के जो कपड़े पहनते हैं, बेल्ट बांधते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐसी ही एक बनियान देखा था जिस पे वेलक्रो लगा हुआ था। तो ये था कि बॉम्ब को एक बेल्ट में लगाकर शरीर के चारों तरफ लपेटा गया था, इस पूरी जाँच से ये पता चलता है। अब आगे की और जांच की गई, क्योंकि अभी तक तो ये सारी चीज़ें चल रही है, तो कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली।
पता चला कि जो बम लपेट कर आने वाली औरत का जो चेहरा थोड़ा बहुत बचा था और सर के पीछे का जो मांस वाला हिस्सा है वो फटा था, थोड़ा सा चेहरा और मांस पीछे का बचा था। उसकी वजह क्या थी और राजीव गांधी की जब पूरी जांच की गई और उनका चेहरा लगभग फूट गया था कि ये झुकी और इसने बेल्ट जो है और जो बॉम्ब है वो बॉम्ब आगे की तरफ नहीं था, बॉम्ब पीछे की तरफ था, इसने बॉम्ब अपने कमर पे लपेट रखा था, बटन आगे की तरफ था, वो पूरा जिस तरीके से बना था तो ज़्यादातर जो बॉम्ब लिपटा हुआ था वो यहाँ से यहाँ पीछे तक जाता है, तो बॉम्ब पीछे की तरफ है, पेट की तरफ नहीं था, तो इसलिए जब वो झुकी तो राजीव गांधी उसको उठाने के लिए झुके तो राजीव गांधी का मुंह अब लगभग उसके बैक पे है, कमर और पीठ के पास, और इसका मुंह नीचे है, और इसी दौरान में उसने बटन दबाया, तो जब बटन दबाया तो राजीव गांधी का चेहरा सबसे पहले उस ब्लास्ट में सामने आया और इसलिए वो चेहरा उड़ा, और इसका उस पेट का हिस्सा उड़ गया क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब था तो ये पूरा उड़ गया। बटन जो है उसने राइट हैंड से दबाया तो राइट हैंड पूरा उड़ गया था, इसलिए लेफ्ट बाजू था, राइट हैंड नहीं था, पेट का पूरा हिस्सा उड़ गया। तो इन छोटी छोटी जांच से पता चला कि बॉम्ब कहाँ लपेटा गया था, किस हाथ से बटन दबाया गया, राजीव गांधी जब झुके थे तो क्यों झुके थे, क्योंकि वो उसको उठाना चाहते थे और वो इसलिए झुकी थी क्योंकि वो बटन को दबाना चाहती थी। तो इन सारी चीज़ों ने फिर धीरे धीरे खुलासा किया। उसके बाद खैर फिर कुछ तस्वीरें मिली, उन तस्वीरों के बाद एक एक करके कड़ियाँ जुड़ती गईं, फिर श्रीनिवासन पकड़ा गया, फिर इसके साथ बाकी के लोग जो है वो पकड़े गए, और इस तरह जब पकड़े जाते रहे तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ पूछताछ का, और उसमें फिर पूरी प्लानिंग सामने आई, फिर प्रभाकरंस का नाम सामने आया, और उसके बाद एक एक कर करीब 24-26 लोग गिरफ्तार हुए, और निचली अदालत ने तो एक साथ सबको फांसी की सज़ा भी दे दी, लेकिन फिर बाद में तब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे फिर चलते चलते मामला 7 लोगों में से 3 को फांसी की सज़ा, 4 को उम्र कैद की सज़ा है, बाकी कुछ छूट गए, और ये लोग अभी तमिलनाडु की जेल में बंद हैं, जिसमें जो जो बंद हैं, एक नलनी है, इसके अलावा सांथन एलियास है, ये श्रीलंकाई नेशनल है और इसने भी पूरे एसोसिनेशन में मदद की थी, मुर्गन है, एजी परिवलन है, रॉबर्ट पियोस है, जय कुमार है, रविचंद्रन है, ये सारे लोग इस वक्त जेल में बंद हैं। प्रभाकरन 2009 में श्रीलंकाई सेना के हाथों मारा गया, LTTE का लगभग अब खात्मा हो चुका है श्रीलंका में, अब जाफना से लगे बाकी जगहों पर अब श्रीलंकाई आर्मी का कंट्रोल है, लेकिन कुल मिलाकर इसमें जो पूरी चीज़ अगर मैं सबको पूरी बातें आपको बताने के बाद एक लाइन में वो कहूँ तो ये था कि राजीव गांधी ने एक बड़ी अच्छी जो भी एक्सपर्ट है उनका कहना है कि श्रीलंका में शांति के लिए एक अच्छी कोशिश की थी, शांति सेना भेजकर तमिलों के हित के लिए, उनके अधिकार के लिए, कि उनको आप, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप इनको आज़ाद मुल्क दो, बल्कि आप उसी श्रीलंका में रहकर, लेकिन इसके बदले में धोखा मिला और धोखा प्रभाकर ने दिया, और प्रभाकरन को ये डर था कि राजीव गांधी सत्ता में वापस लौटेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, और इस डर की वजह से उसने राजीव गांधी को रास्ते से हटाने की कोशिश की। कमियां जो हमारी थी वो थी सुरक्षा को लेकर, उस वक्त वहाँ जो उस पूरे रैली में जिस पुलिस अफसर की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सुरक्षा व्यवस्था देखें, कहते हैं वो खुद खुश नहीं थे इस सुरक्षा व्यवस्था से, जिस तरह की सुरक्षा वो चाहते थे वो मिला नहीं। फिर राजीव गांधी की एक कमज़ोरी ये भी थी कि वो लोगों से बहुत करीब जाकर मिल लेते थे, और दूर से अगर भी कोई बोलता था कि करीब आना है तो वो आ जाते थे, मतलब बुला लेते थे अपने पास, तो ये एक उनकी कमज़ोरी भी बड़ा नुकसान पहुंचाई उनको, और एक हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का प्राइम मिनिस्टर जो वक्त से पहले जिसकी ज़िंदगी चली गई, उसकी वजह ये थी कि एक मुल्क में शांति लाना था, और वहाँ पर जिस LTTE को कभी सपोर्ट किया था हिंदुस्तान ने, खासकर तमिलनाडु में, उसी ने हमें धोखा दिया और हमारी पीस फोर्स पे अटैक किया और हमारी पीस फोर्स को निशाना बनाना शुरू किया, और आखिर में इस पूरी इस विवाद की वजह से हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान भी गई। तो राजीव गांधी पहले शख्स थे जो LTTE के बनाए ह्यूमन बॉम्ब के हाथों मारे गए, दुनिया में ऐसा पहला, ये पहला मामला। इसके बाद फिर श्रीलंका के एक राष्ट्रपति को भी LTTE ने इसी तरह से ह्यूमन बॉम्ब से उनको भी मारा, मैं इस वक्त नाम भूल रहा हूँ,
नाम याद आएगा तो बताऊँगा आपको। खैर, तो ये थी पूरी कहानी। अब मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि आज बहुत सारा काम भी है, इस राजीव गांधी से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे आपके कल कर लेते हैं, और चूँकि आज कई सारी चीज़ें। एक हाँ आपको ये भी बता दूँ चलते चलते कि आज यूएन में, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में, मसूद अजहर को लेकर फैसला होना है कि हमने चूँकि अपील की है कि उसे एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। 16 में भी हमने किया था, 16 में तब चाइना बीच में आ गया और चाइना की वजह से, चूँकि चाइना को वीटो पावर है, हुआ नहीं है। इस बार फिर हमने प्रूफ दिए हैं, पुलवामा के प्रूफ दिए हैं। आज इंडियन टाइम के हिसाब से शायद शुरू होगा और 12:30 तक मुझे लगता है कि या तो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर शायद कल हो। और चीन का क्या स्टैंड होगा ये भी देखने की बात होगी। तो इसलिए इस खबर को लेके हम सब, सारा ऑफिस इस वक्त उसी की तैयारी में लगा हुआ है, और इसी वजह से आज 10:30 बजे ही मुझे, वारदात का टाइम 11 बजे होता है, लेकिन आज मुझे 10:30 बजे एक शो करना है मसूद अजहर को लेकर, तो शो के लिए मुझे भागना पड़ रहा है। तो सवाल जवाब सब कुछ कल आपसे मुलाकात होगी 9:00 बजे, और मैं कोशिश करूंगा कि कल एक छोटी मोटी कोई स्टोरी सुना दूं, और राजीव गांधी से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं हम लोग आपस में उसी पे बात करें।